तो तुम स्कूल में अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो और तुम्हारा दोस्त GTA San Andreas के बारे में बात करने लगता है। तो तुम सुनते सुनते वो गेम को खरीद के खेलना चाहते हो। तुम स्कूल से सीधे मार्केट जाते हो और GTA San Andreas ढूंढने लगते हो और उसका CD मिल जाता है। फिर तुम घर जाके वो CD अपने पुराने PC पे डालते हो और इंस्टॉल करके वो गेम फिर खेलने लगते हो। Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous gangbangers. What I'm saying. हाँ, GTA San Andreas जो 26 अक्टूबर 2004 को रिलीज हुआ था और उसी ईयर में Sims 2, Halo 2 और Prince of Persia Warrior Within भी रिलीज हुआ था। Among Us. हमको तो बस GTA San Andreas के बारे में पता था। 5 years on the East Coast. तो GTA San Andreas का स्टार्टिंग ऐसा है कि सीजे लिबर्टी सिटी से वापस आ रहा है क्योंकि उसके घर पे ड्राइव बाय हुआ था और वो टैक्सी लेके अपने घर जा रहा होता है और ये 3 ऑफिसर्स जैसे कि ऑफिसर 10 पेनी ने इसको अरेस्ट करके इसके पैसे ले लिए और फिर बालस कंट्री में फेंक दिया। और सीजे लाइन बोलता है, फिर उसे साइकिल लेकर ग्रूव स्ट्रीट जाना होता है। वहाँ पहुँचते ही बिग स्मोक मिलता है। पानी, पानी, पानी। हम कैसे ये पानी पिलाते हैं? तुम्हें पानी पीना है, पी लिया पा। फिर वो ले जाते हैं सीजे के मम्मी के ग्रेव के पास। वहाँ स्वीट और कैंडल भी थे। स्वीट और कैंडल के बीच लड़ाई हो जाता है। और जैसे ही वो लोग घर जा रहे होते हैं तो बालस ड्राइव बाय करके कार को ब्लास्ट कर देते हैं और साइकिल लेके जाना पड़ता है वापस घर, कैसे भी करके उनसे बच के। फिर गेम बोलता है घर जाके सेव करो और फिर राइडर से मिलो। राइडर से मिलते ही राइडर बोलता है, और बताता है कि एक पिज्जा बॉय जो कि प्रसंग कर रहा है ग्रूव स्ट्रीट के मेंबर्स को। तो राइडर के साथ जाते हैं पिज्जा हट, मेरा मतलब बिल स्टैक पिज्जा को, तो ड्राइविंग करने बोलता है। और इस गेम का ड्राइविंग बहुत अच्छा है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो गेम बोलता है पहले हेयर कट करो। आई एम नॉट अ मसाज फैन, एस्पेशली विद द ट्वर्ल। फिर राइडर बोलता है कि कुछ खा लो। फिर सीजे खाता है और राइडर पीछे से आके वहाँ के ओनर पे गन पॉइंट करता है पिस्तौल से। पर वहाँ का ओनर शॉटगन यूज करता है, बच के वहाँ से भागना पड़ता है। स्मोक को लगा था भूख, तो सीजे स्वीट राइडर जाते हैं और स्मोक बोलता है, I'll have 2 number 9. Number 9. You getting on my nerves. It's so mad. Come on me. मैं तो नहीं हूँ इंसान। तो वहाँ पे बालस थे, वहाँ पे चेस होने लगता है, वहाँ पे शूटिंग भी होता है। और इनका शूटिंग क्या है यार, स्टार वॉर्स के स्टार ट्रूपर्स हो क्या? इतना बेकार है कि स्टार ट्रूपर भी सा मार जाए। तो बालस को डिस्ट्रॉय करके वापस जाते हैं ग्रूव स्ट्रीट और ये राइडर को होम इन्वेजन करना है कुछ गन्स के लिए। तो ये सोए हुए अंकल के पास जाना होता है जो कि पहले से उठे हुए हैं। आग बंद कर लो अंकल, हिटमैन की तरह क्रेज ले जाना होता है। फिर बाद में राइडर अपना ड्रग्स नहीं ढूंढ पाया तो खुद से बना रहा है। राइडर बन गया वॉल्टर वाइट। और वहाँ पे ऑफिसर टेनपनी भी था। क्यों था? ऑप्शन 1 अरेस्ट करने के लिए, ऑप्शन 2 सोने के लिए, ऑप्शन 3 सब्सक्राइब करने के लिए, ऑप्शन 4 टेस्ट करने के लिए। सही आंसर है और फिर राइडर को इस बार मिलिट्री को रॉब करना था। एक दिन मरेगा ये आदमी। और एक ऐसा मिलिट्री है जिसके पास बस पिस्तौल है और फिर स्वीट और स्मोक को जेफरी में मतलब OG लुक जो कि एक रैपर है उसको जेल से पिक करना था और फिर OG लुक को जेल से निकलते ही फ्रेडी को मारना था। वाह क्या डेडिकेशन है। और जब सीजे जा रहा था स्मोक के घर तो वहाँ पे ऑफिसर टेनपनी भी था। ये तो बहुत सस है। और स्मोक को जाना था यूनिटी स्टेशन और वहाँ पे लॉस सेंटोस वेगोस भी थे जो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ पे फिर से शूटिंग हुआ। इतना बेकार है, फिर से देखना पड़ता है। ओजी लोग कर रहा था ग्रूव स्ट्रीट में पार्टी। और अच्छा से कुछ हो सकता है नहीं क्योंकि बालस ने अटैक कर दिया था ग्रूव स्ट्रीट पे। तो बालस पे अटैक करते हैं और बालस वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर स्वीट प्लान करता है कि जो भी लैंड बालस के पास है उसे अटैक करके वो ग्रूव स्ट्रीट का बन जाए। जैसे ही ग्रूव स्ट्रीट के मेंबर्स बढ़ रहे थे तो स्वीट फिर से प्लान करता है तो बालस पे अटैक करे। और सीजे का कॉल आता है और सीजे एक लोकेशन पे बुलाता है और उस लोकेशन पे ऐसा चीज देख लेते हैं कि हम लोग का आँख देखते रह जाता है। Shit, smoke, push it into.
हाँ धोखा मूक और राइडर का जो ग्रीन सेबर से ड्राइव बाय हुआ था ग्रूव स्ट्रीट में वो उन लोग के पास था और सीजे को याद आता है स्वीट के बारे में बालस पे अटैक कर रहा है तो जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है कि स्वीट इंजर्ड है और सीजे लड़ता है बालस से लड़ते लड़ते वहाँ पुलिस आ जाता है और सीजे बस्टेड हो जाता है सीजे के मुंह पे कपड़ा था और टेंपनी बोलता है कि उसका वो काम करे काम नहीं करेगा तो स्वीट मारा जाएगा और सीजे टेंपनी का काम करते रहता है फिर से सीजे का कॉल आता है और वो बोलता है कि कैटिलना से मिलो और सीजे कैटिलना के साथ काम करता है जैसे कि टैंकर चुराना लिक्वर चुराना बैंक रॉबरी करना बैंक रॉबरी सुनकर क्लॉड की याद आ गई तो सीजे को कॉल आता है सीजर का इस बार और इस बार लोकेशन अच्छा होता है जहाँ पे टी बोन और राइडर थे पहले टी बोन जाता है राइडर को मारते हैं तो टोरेंटो के वजह से स्वीट जेल से निकल जाता है और सीजे स्वीट को बोलता है कि मेरे पास अब वो है मेरे पास वो घर है पर स्वीट बोलता है कि जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोग रहते थे उसका क्या वो तो बालस के पास है बालस पे अटैक करते हैं फिर स्वीट को अचानक से बिग स्मोक का लोकेशन पता चल जाता है तो सीजे वहाँ पे जाता है तब पे अटैक करता है और फिर स्मोक को देखता है कि वो गेम खेल रहा है वहाँ सब मर रहे हैं तुमको गेम खेलना है क्या ये मोबाइल गेमर्स हैं तो वहाँ पे लड़ाई होता है और बिग स्मोक मर जाता है और वहाँ पे ऑफिसर टेंपनी भी आया था क्योंकि उसको बिग स्मोक का पैसा चाहिए था वहाँ पे सीजे को देखकर वो शहर से भागने लगता है वहाँ पे फिर से चेस होता है और ऑफिसर टेंपनी ग्रू स्ट्रीट में क्रैश कर जाता है और वहाँ पे उसका एंड हो जाता है और ये गेम का भी एंड हो जाता है तो ये गेम को आए हुए 19 इयर्स हो चुका है तो हम लोग को बस ये रिमास्टर मिला है। It's the biggest piece of dog shit.